एग्जाम्पल नंबर 12.8 में हमको कहा गया है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. सपोज द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम. तो ये R1, R2 और R3 की वैल्यू हमको दी गई है. R1 की है 5 ओम, R2 की है 10 ओम एंड R3 की है 30 ओम. Respectively, which have been connected to the battery of 12 volt. इन तीनों को हमने कनेक्ट किया है 12 volt की बैटरी के साथ. Calculate the current through each resistor, यानी कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ से इन तीनों एंड में से कितना करंट फ्लो का वो फाइंड करना है. फिर the total current in the circuit, यानी कि इस सर्किट का टोटल करंट, यानी कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर अगर हम एमीटर रखेंगे तो हमको कितना करंट मिलेगा. एंड the total सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, यानी कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे हमारा जो केस नंबर ए हमको दिया गया है जिसमें कहा है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. तो इन तीनों के पास यहां पर, यहां पर और यहां पर अगर हम ए मीटर लगाएंगे तो तीनों में हमको कितना करंट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. हमको पता है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है रजिस्टर का उसमें तीनों में जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, यानी वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा होता है, सेम होता है. और तीनों में जब करंट है वो अलग अलग होता है. तो हमको पता है इक्वेशन वी इज इक्वल टू आई आर. तो फर्स्ट के लिए अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. तो हम लिख सकते हैं कि I1, हमने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए ये इसको I1, ये I2 और ये I3. तो I1 हमको मिलेगा V, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस V तो सेम ही होगा. तो यहाँ पर लिखेंगे V डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस R1. तो ये हो जाएगा V यानी कि 12 डिवाइडेड बाय R1 है हमारे पास 5. तो ये हमको मिलेगा 2.4. तो I1 की वैल्यू हमको मिलेगी 2.4 एम्पियर. अब आते हैं R2 के पास. तो I2 हमको मिलेगा V डिवाइडेड बाय R2. तो ये आ जाएगा V यानी कि 12 डिवाइडेड बाय R2 हमारे पास है कितना 10. तो I2 हमको मिलेगा 1.2 एम्पियर. और I3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R3. ये यहां पर होगा हमारा I3. तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय ये 30. तो ये 30. तो ये हमको मिलेगा I3 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर. तो इस तरह से I1 यानी कि यहां पर हमें करंट मिलेगा 2.4 एम्पियर, यहां पर हमें करंट मिलेगा 1.2 एम्पियर और यहां पर हमें करंट मिलेगा 0.4 एम्पियर. तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. सेकंड में हमको कहा गया है द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि सर्किट में जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा. तो टोटल करंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम कर सकते हैं कि टू मेथड है इसके लिए हमारे पास. पहले हम यहां पर देखते हैं कि टोटल करंट कितना होगा. तो इन तीनों में से जितना करंट फ्लो होता है उन तीनों का अगर हम समेशन कर देंगे, उन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल करंट. टोटल करंट का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर या तो फिर यहां पर अगर हम एमीटर को रखते हैं तो इसमें से फ्लो होता हुआ कितना करंट हमको मिलेगा. तो इन तीनों का अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4. तो ये हो जाएगा 0.4. ये 4 2 मतलब 6 प्लस 4 ये मतलब 10. तो ये 10 मतलब यहां पर 0 आ जाएगा और ये 1 बचा तो 1 प्लस 2 3 और ये 1 4. तो ये 4 एम्पियर कितना हमारा होगा टोटल करंट. और एक दूसरी मेथड है जो अभी हम थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, ठीक है.
उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हमको पता है कि जब हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है कि 1/RP = 1/1st, यानी कि R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/R1 हमारे पास है 5 + 1/10 + 1/30। तो ये हो जाएगा 1/RP के बराबर। तो इसको भी लिख सकते हैं 150 और यहां पर आ जाएगा 30 + 15 + 5। तो ये हो जाएगा 50 / 150, तो 0 0 कट गया, 3। तो 1/RP हमें मिल जाएगा 1/3। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा RP = 3 ओम, यानी कि ये जो तीनों रजिस्टर है उसको मिलाकर अगर हम इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करें तो वो होगा 3 ओम थीटा, यानी कि सर्किट का टोटल रजिस्टेंस है 3 ओम। तो मैं दूसरी जो मेथड के बारे में बात कर रहा था करंट फाइंड करने की, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट। तो मैं ऐसा भी कर सकते हैं कि I = V / टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 12/3, तो ये हमें मिल जाएगा 4 एम्पियर। देखिए सेम आ गया। तो इस दोनों मेथड से आप करंट को फाइंड कर सकते हैं, या तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके उससे उसके थ्रू कर सकते हैं, या तो फिर अलग अलग करंट का आप एडिशन करोगे तो भी आपको टोटल करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों चीजें जो है इसमें से फाइंड कर सकते हैं। जब पैरेलल कनेक्शन होगा तब जो रेजिस्टेंस है उसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।